थ्री इयर्स के हैं, लेकिन वो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकते, अभी उनकी वो पोजीशन है। ठीक है, आज सुबह से जब से नीचे उतार दिया हम लोगों, ठीक है ना, वहाँ पर मेरी मम्मी फोन उठा सकती है, उसके पास फोन भी नहीं है, मैं उसकी खबर कैसे निकालूं? तो क्या मरने के लिए छोड़ दिया है उनको वहाँ पर, मरने के लिए छोड़ दिया उनको वहाँ पर, कुछ उनके ईमानदारी नहीं हो रही है, कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है वहाँ पर, उनकी कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो उठा के पानी का ग्लास भी ले सके, और इनके सगे संबंध में किसी को भी वहाँ पर रहने नहीं दिया, अगर एक बंदे को भी रहने दे तो वो उसकी सेवा कर सकता है, उसकी चाकरी कर सकता है। ये लोग समझते, हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है या जो भी है, लेकिन उनके सगन संबंधियों से अगर एक शख्स को भी रहने दे तो उनकी वो सेवा कर सकता है, उनकी बेडशीट चेंज कर सकता है, उसको अपने उसकी तीमारदारी वो कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। अब 73 ईयर के वो लेडी है, वो अपने आप से सारे काम कैसे करेंगे? या प्रशासन को ये आगे पहुंचाइए ये, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को बदला जाए। ये कहाँ का ये बता दो, हॉस्पिटल का ये सारी बात हो रही है, 2000 इंसान परेशान, यहाँ पर 2000 इंसान लो है जो परेशान है, और इस तरह से बेहाल एड्रेस बोलो, यहाँ पर दो दिन से पड़े हुए सिविल हॉस्पिटल के अंदर, एड्रेस बोलो ना, यहाँ का एड्रेस बोलो, सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, तारीख 1 मई के दिन का ये वीडियो है।